हेलो फ्रेंड्स, अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन की सीरीज ले पे चल रहे हैं। अभी हमने 500 क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है। वो सारे क्वेश्चन आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इस सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप चाहे बैंक का दे रहे हैं, SSC का दे रहे हैं, रेलवे के दे रहे हैं, या कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या राज्य के लिए दे रहे हैं, ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और आप इन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और एक बात और, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो तो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंडों को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और यूट्यूब चैनल में मेरे काफ़ी वीडियो आपको ऐसे मिलते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। और आपके सामने अगर सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकॉन घंटी बनी होगी, उस घंटी को भी दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे कि पता चले कि आपको मैंने कौन सा वीडियो डाला, जिसे आप आसानी से देख पाएँ। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस बार शुरू किया गया? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 81.2 डिग्री। ठीक है, मैं जैसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? विनोद भावे। ठीक है, मोनालिसा की विश्वविख्यात पेंटिंग कौन सी है? पेंटिंग किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का। ठीक है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन सा? बहादुर शाह द्वितीय, जफर द्वितीय। ठीक है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। ठीक है, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद काफी बड़े रचयिता रहे हैं, उनके काफी कृतियां हैं। ठीक है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1। ठीक है, बर्ड फ्लू कहते हैं इसे, एक होती है बर्ड फ्लू होती है, या स्वाइन फ्लू है। ठीक है, ये चमगादड़ों से होती है और एक सुअर से होती है, वो स्वाइन फ्लू है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, इस दिन लोगों को जागरूकता किया जाता है कि आप वोट देना आपका अधिकार है, आप उसका यूज कीजिए। ठीक है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, किस संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के महत्व कौन सा आंदोलन किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य करते हैं। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया कहाँ से कहाँ जोड़ता है? ठीक है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। ठीक है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमर नर्मदा का। ठीक है, भारत में जीवाश्म का सर्वाधिक, जीवाश्म का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? गुजरात में। ठीक है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। ठीक है, ये अकबरनामा भी अबुल फजल ने ही लिखा था। ठीक है, बोली शब्द किस खेल से प्रयुक्त बोली शब्द किस शब्द खेल से प्रयुक्त किया जाता है? हॉकी से। ठीक है, उड़ान परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। ठीक है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। और उदयपुर को कैसे क्या कहते हैं, भारत के अंदर सबसे अच्छा पिकनिक स्पॉट उदयपुर को इस वर्ष 2018 में चुना गया है, तो आप ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर नया वीडियो लेके आपके लिए उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।